जामिया के छात्रों ने महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर जामिया से राजघाट तक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मार्च निकाला है। इस मार्च के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने प्रदर्शन के दौरान गोली चला दी, जिससे एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ये मेट्रो स्टेशन है ITO, दिल्ली गेट और जामा मस्जिद। आरोपी ग्रेटर नोएडा के जेवर का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि वह प्रदर्शन के दौरान हथियार लेकर क्यों आया था। आरोपी खुद को राम का भक्त बता रहा है। वहीं जो छात्र हमले में घायल हुआ है उसकी पहचान जामिया के मासकॉम के छात्र शादाब आलम के रूप में हुई है। उसका इलाज पास के ही होली फैमिली अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस कह रही है कि उसे अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि शादाब अब भी होली फैमिली अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में है। एक चश्मदीद ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि हमारा मार्च चल रहा था, एक युवक अचानक दूसरी दिशा से सामने आ गया और हवा में पिस्तौल फहराते हुए बोला कि आओ मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, और फिर उसने गोली चला दी। ये देखिए, कोई बोल रहा है दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, बोल रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पहले ये पैसों का पकड़ लो, मेरी सब पकड़ लो, रुक जा, पानी काटन है, ये पुलिस पानी काटन है, क्या है ये, गोली चलने से पास ही खड़े शादाब आलम को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जामिया से राजघाट तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी स्थानीय लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। जामिया से राजघाट की ओर मार्च निकाल रहे छात्रों को पुलिस ने फायरिंग के बाद रोक लिया। पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। ऐसे में छात्र एक ही जगह इकट्ठा होकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मार्च के चलते राजघाट की ओर जाने वाली सड़कें आज बुरी तरह जाम है। कई रास्तों पर 4 किलोमीटर तक लंबा जाम है। दिल्ली की मुख्य सड़क की जाम से हालत इतनी बुरी है कि लोग 40-40 मिनट से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। जिन सड़कों पर सबसे ज्यादा जाम है उसमें मथुरा रोड, विकास मार्ग, गीता कॉलोनी रोड ITO, DDU, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, निजामुद्दीन प्रमुख है।